Hey everyone, welcome back to my channel. मैं अक्सर आपके साथ वेस्ट मटेरियल का यूज करके घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसके लिए मैं आइडिया शेयर करती रहती हूँ। और ऐसे ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर में जो न्यूज़पेपर होते हैं उसका यूज करके हम कैसे घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया था और उसमें से मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए, फेदर या फिर लीफ, और उसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम पेपर स्ट्रोज बना लेंगे। यहाँ पर काफ़ी मैंने बना के रखी है। आप न्यूज़पेपर या फिर पुरानी बुक हो तो उसमें से आप रेडी कर सकते हो। और उसके बाद ग्लू की हेल्प से हम यहाँ पर जो हमने स्ट्रो रेडी की है उसको हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले वाइट कलर अप्लाई किया है और उसके बाद आपको जो भी शेड यूज़ करना है उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, बट पहले हमें इसको ड्राई होने देना है। अब यहाँ पर साइड में जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर मैंने पेपर नैपकिन स्टिक कर दिया था और उसके बाद वाइट कलर अप्लाई कर दिया था तो वो कवर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट DIY के लिए इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद कट कर लेंगे। अब इसको और एक बार फोल्ड कर देना है।
अब इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। अब राउंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ पर ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक करते जाएं। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा और अगेन यहाँ पर पेपर को स्टिक करना है। अब यहाँ पर ग्लू अप्लाई कर देंगे और इस तरह से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। के ड्राई हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम कलर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट कलर अप्लाई किया है और उसके बाद आप जो भी डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हो वो ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद कलर अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर पर ड्रॉ कर लिया था और उसके बाद इस तरह से पेपर को रख के फिर आउटलाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर फिर इसको पेपर को कट किया और फिर से ये प्रोसेस रिपीट की, तो ये थोड़ा इजी हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर कलर अप्लाई कर देंगे।
रेडी है हमारा सेकंड DIY। और लास्ट DIY के लिए मैंने इस तरह से पेपर स्ट्रो ले ली है और इसको इस तरह से रख देंगे और ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पर कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे और उसको मैंने पेपर से कवर कर लिया और उसके बाद कलर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कलर अप्लाई कर देंगे और कलर के ड्राई हो जाने के बाद जो हमने कार्डबोर्ड को कट किया था और कलर अप्लाई किया था उसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप ऐसा कुछ रिक्रिएट करते हो तो मेरे साथ शेयर भी करना। और चलिए मिलते हैं नए आइडियाज के साथ। बाय बाय।